السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إخواني الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر سعادة القنصل على إتاحة الفرصة لي في هذا اليوم المبارك للالتقاء بكم ورؤية هذا الجمع الطيب بإذن الله. मिस्टर मानसिंह बज्जर जी, आज आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारे काउंसिल जनरल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनको ये मौका दिया गया कि वो आप लोगों के बीच आज यहाँ मौजूद हैं। عندما بدأت المكتبة الملكية بتصحيح أوضاع المخالفين وبدأنا بعد أسبوعين بداية الحملة وجدنا المشاكل الموجودة تدخلنا كغرفة تجارية للمساعدة في حل هذه المشاكل. जबकि एहतराम आए कि हर इंसान को, हर मौजूदा इंसान को यहाँ पर अपने लीगल प्रोसेस, अपनी मौजूदा हालत को करेक्ट करना है, सही करना है, और जो आदमी जिस महीने पे जिस काम के लिए आया उसको ये काम करना है, तो काफ़ी मुश्किल जो है वो सामने आई। और उसके बाद मिस्टर माजिद बद्र जी ने पर्सनली खसूसी तौर पर इस बात का ख्याल किया कि लोगों को, क्योंकि मालूम कम है और उनको नहीं पता कि सही तरीके से इस काम को कैसे सरंजाम दिया जाए, तो वो सामने आए और अब वो आप लोगों की इस मामले में मदद करेंगे ताकि आप सबको ये पता रहे कि आपने अपनी जो भी आपके प्रोफेशन हैं, मैंने उन्हें उनको किस तरह से सही करके और उसके उसके अंडर में आपको उसकी तरह काम करना है। بدأنا في الأول في تقديم الخدمات مثل الخيام وتقديم المرتبات وتسهيل دخول وخروج المراجعين. पहली सबसे पहली मुश्किल हम लोगों को ये पेश आती है कि बहुत सारी मालूमात नागिस हैं जब आप लोग इस मुमलिकत में दाखिल हुए और जवाजात में आप लोगों की तालीमात बहुत कम है, यानी बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में जवाजात के अंदर एंट्री नहीं है। जैसे कुछ लोग उम्र पे आए हैं तो उनके पासपोर्ट्स उनके पास नहीं है और वो यहाँ पर रह गए हैं, तो ये सारी मशाकिल की वजह से देर लग गई है इन सब चीज़ों में, और इंशाल्लाह हम लोग इन सारी मशाकिल को हल करना चाहते हैं। مستمر مع وزير العمل والقناصل المحترمين وإدارة الجوازات ومكتب العمل، وذلك لتسريع الإجراءات، لتسهيل الإجراءات ولمحاولة تمديد المدة إلى أكثر من 3 أشهر. इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात यह है कि मकतबल अमल, जवाजात और बाकी जितने भी इदारे इन मुश्किल में आपके साथ हैं उनके साथ एक ताउन कायम किया जाए और उन सबको एक दूसरे से मुंसलिक किया जाए ताकि जब आप जवाजात में जाएं तो उनके पास मालूम बराबर मौजूद होनी चाहिए, मकतबल अमल के पास उतनी मालूम मौजूद होनी चाहिए। इस मामले में मासिन बद्र जी ने वजीर मकतबल अमल से भी बात की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस ये जो तारीख जो अब ख़त्म होने वाली है इसमें थोड़ी सी तौसी करवाई जाए ताकि आप सबके मालूम को مجرد انتهاء اجراءات مكتب العمل حتى لو لم تنتهي الجوازات حتى لو طولت بعد ذلك الفتره جدا طويله يعتبر من ضمن الفتره التصحيحيه لشملها. يوم الاربعاء يعني بود كي روز وزير مكتب الامن سي ايك ميتينغ تي جي سي سي اي مي اجتماع تھا جي سي سي اي مي जिसके तहत ये बात करार की गई है कि आप लोग अपनी अपनी एंट्री करवा दें और उसको 3 जुलाई के बाद अगर आपके हाथ में आपके पासपोर्ट नहीं आते या आपके हाथ में आपकी चीज़ें नहीं आती तब भी उसको इसी तरह किया जाएगा जैसे आप लोगों की एंट्री हो गई है, एंडोर्समेंट हो गई है। كل مشاكلكم سوف تحل، اللي بده ينقل الى غفير اخر ويصلح وضعه ان شاء الله ينتهي، اللي بده يرجع الى بلاده وسيتمكن من ذلك ان شاء الله
بإذن الله سنقف معكم جميعا كل فرد فيكم بمساعدة القنصليات لإنهاء مشكلة كلكم بإذن الله. आखिरी में उस्ताद मानसिंह बदर जी आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को थोड़ा बढ़ाया जाए और आपकी जितनी भी मशाकिल आपको हल किया जाए. जो यहाँ रहना चाहता है उसको प्रॉपर्ली यहाँ रहने दिया जाएगा, जो जाना चाहता है उसको पूरी इज्जत के साथ जाने दिया जाएगा. तो आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिक्र ना करें हर चीज, मगर आप लोग अपनी एंट्री जारी रखें. इस चीज को ये मत समझे कि आप अपनी एंट्री खत्म कर दें, नहीं, आप अपनी एंट्री और अपनी उसको जारी रखें. 3 जुलाई के बाद भी हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि हम